स्क्रू है, स्क्रू ढीला हो गया है, मैं गलत आदमी के साथ फंस गया हूँ, इसलिए कतई आप भी ना फंसे। अरे आपने हमारे दो सवालों का उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से दिया, तो आपका ये रहा, हाँ दे दीजिए, ये रहा दो सवाल, बड़े ही मजाक। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उत्तम केवड़। दोस्तों हमारा एक फिर से नया एपिसोड दिमाग लगाओ और इनाम पाओ। दोस्तों आइए, आज मैं बारिश का मौसम चल रहा था तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल गए और यहाँ पर हमारे एक भाई साहब बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनु है। मनु 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 सिपालपुर मला है। अच्छा अच्छा, तो आपसे मैं कुछ सवाल, पांच सवाल पूछूंगा। यहाँ सुनो ए भाई, कैमरा कहीं देख रहे हो? मैं आपसे पांच सवाल पूछूंगा। अगर आप हमारे सही सवाल, दो सवाल का उत्तर दिए तो आपको ये जो गिफ्ट है वो आपको मिलेगा। तैयार हैं? चलिए बताइए, आप किस लाने पहला सवाल सोच समझ के बताइएगा, आराम से बताइएगा, ठीक है ना? सूरज किस दिशा से उगता है? यहाँ कहते नहीं नहीं नहीं, किस दिशा, दिशा क्या नाम है? पूरब। पूरब पूरब, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दोस्तों सूरज पूरब दिशा से उगता है, इन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या करते हैं? भैंस चराते हैं। अच्छा, मतलब भैंस चराते हैं। हाँ। और तो यहाँ मतलब बारिश में बैठे थे ना। हाँ। चलिए एक और सवाल बताइए आप, ऐसा कौन सा पक्षी है या परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? आदमी है? आदमी नहीं, आदमी परिंदा थोड़ी है, पक्षी मैंने पूछा। आदमी तो नहीं उड़ सकता। मैंने पूछा है आपसे कि ऐसा कौन सा पक्षी है, परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? आदमी नहीं उड़ सकता, आदमी ना पंख है। मैं पूछ रहा हूँ परिंदा, पक्षी की बात कर रहा हूँ। हाथी नहीं उड़ सकता। हाथी पक्षी नहीं है, जानवर। जानवर है तो बस्ती में नहीं आ रहा, वो उड़ते ना करेगा। पक्षी बताइए, पक्षी जो उड़, ऐसा कौन सा पक्षी जो उड़ नहीं सकता? दूसरा सवाल, अगर आप दो सवाल, एक सवाल और बताइए, इनाम पा जाइएगा। पांच सवाल आपसे पूछेंगे। हाँ बोलिए, बताइए ना क्या बता। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? निगाह। निगाह। निगाह पक्षी नहीं है, वो जीव जंतु है। पक्षी जो जिनके पंख होते हैं वैसे कौन नहीं उड़ सकता? सब उड़ सकता है, सब उड़ सकते। मैं आपको इसका उत्तर लास्ट बताऊंगा, ठीक है ना? और एक बात बताइए, आप मुर्गी पाले हैं? हाँ, मुर्गी नहीं पाला, मुर्गा जरूर पाला। अच्छा, मुर्गा पाले हैं। अच्छा तो एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, रामलाल की मुर्गी श्याम लाल के यहाँ जाके अंडा दी तो अंडा किसका होगा? रामलाल के। हैं? रामलाल के। कहे कहे रामलाल की मुर्गी का, तो रामलाल की ना होगी। तो नहीं, मैंने पूछा रामलाल की मुर्गी श्याम लाल के यहाँ जाके अंडा दी तो अंडा किसका होगा? रामलाल की। कैसे रामलाल कैसे हुआ? रामलाल राखे या रामलाल के ना होगा? नहीं होगा ना भाई। होगा कैसे, कैसे होगा? जब रामलाल राखे आए उसका अंदर उसी के बाद होगा। अगर आपको मालूम है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। भाई साहब बड़े मजाक किया है, तीन क्वेश्चन, ठीक ना? आप इनका जवाब भी नहीं बता पा रहे हैं, गलत है, सोचिए क्या हो, किसका कैसे होगा? रामलाल के मुर्गी आए थे श्याम लाल के घर में, दी गई श्याम लाल के ना हो। गलत है। और जरा थोड़ा सोचिए, थोड़ा आप खड़े हो जाइए, थोड़ा आप खड़े हो जाइए, इधर आइए थोड़ा, और इधर आइए। हाँ अब बताइए कि रामलाल की मुर्गी ने श्याम लाल के यहाँ जाके कूद के अंडा दे दिया उड़ते हुए, तो अंडा किसका होगा? श्याम लाल की। कैसे श्याम लाल का अंडा होगा? श्याम लाल के घर में दिया। हाँ। श्याम लाल के ना किसका होगा? गलत जवाब, थोड़ा और कुछ सोचिए। मुर्गी की नहीं, मुर्गा। अच्छा एक और बताइए, एक तालाब में एक तालाब, ये भी गलत जवाब है। चौथा सवाल, अभी एक सवाल का एक जवाब देना है आपको। एक तालाब में हंसते कहीं हैं आप? का खाए? मुंह है। का खाए हैं? एक है आरी बारी। हैं? आरी बारी। आरी बारी। एक तालाब में 12 मछली। चौथा सवाल, एक तालाब में 12 मछली, दो मछली मर गई, कितनी बची? नौ। कैसे? कहे नौ बची। कैसे भाई, 12 मछली थी, दो मर गई तो कितनी बची? नौ। गलत जवाब,
10। गलत जवाब। एक तालाब में 12 मछली, दिमाग लगाओ ना, एक तालाब में 12 मछली, 2 मर गई, कितनी बची? 10। कैसे 10? 1, 2, 3, 10। दिमाग लगाओ। 12 रहे, 12 में 2 है रही, 2 मर गई, 10 बची, कितनी बची? 10। गलत जवाब। 10। लास्ट जवाब। 9। गलत, गलत। 12, 12 कहाँ थे, 2 मर गया था। 10 एक तालाब में 12 मछली, 2 मर गई, तो कितनी बची? 10। कैसे भाई 10 बताओ तो। 12 में 2 काट दिए, 10 बजे बचा? नहीं, 12 बचेंगी ना, बचेंगे 12 बचेंगी, 12 चलो गए, 12 पता है कैसे बचेंगी? हाँ, क्योंकि जो मछली मर गई है वो तालाब में नो है, नहीं निकाल के मैक दिए ना उसको। हाँ, नहीं फेंके ना, हमने तो इस तरह नहीं बोला है ना। चलो हाँ, एक और लास्ट सवाल, अगर अब जवाब दे दिए तो ये आपका रहेगा, ठीक है ना। ऐसी वो कौन सी चीज है जिसे काटते वक्त लोग गाना गाते हैं? केक। बहुत सुंदर जवाब। कैसे दिमाग लगाए केक? दिमाग, हाँ, जब काटते हैं तो उनको गाते हैं। क्या गाते हैं? अभी बातें थी। कहाँ गाते हैं? अभी बातें थी। कैसे हो गया? पूरा गाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर। किस तरह गाते हैं? हो गया, क्या गाते ना। बहुत सुंदर जवाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई मनु। मनु, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे मनु, और हम आपको बताते हैं क्या क्या सवाल पूछे थे आपसे। नहीं पता। सूरज किस दिशा से उगता है आपने बताया? पूरा बिहार से हमने बताया। फिर एक और सवाल क्या पूछे थे आपसे? कि नहीं जा मुर्गा कहाँ की दन। श्याम लाल की मुर्गी राम लाल के यहाँ अंडा देती है, तो मुर्गा किस अंडा किसका कहलाएगा? श्याम लाल का। मुर्गी कहलाएगा, मुर्गी ना कहलाएगा, जिसके घर में देगी उसी घर के ना कहलाएगा। आखिर मुर्गी का अंडा ना होगा। बोलो। हाँ। दोस्तों हमारे साथ मस्त आदमी जुड़े थे, तो आपने हमारे 2 सवालों का उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से दिया, तो आपका ये रहा। आराम से दीजिए, ये रहा 2 सवाल। बड़ा ही मजा किया, आराम से आप इसको ले जा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? ठीक लगता है। तो वीडियो पसंद आए तो भाई साहब को आगे कुछ बोल दीजिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बोल दीजिए। क्या बोलें? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बोल दीजिए। कमेंट में कर दीजिए, होगा कमेंट में फैला दें। हाँ, पूरे यार, पूरे यार। बहुत बढ़िया। ये अगला जाइए। अच्छा, आपको ले जाइए। हाँ, ये कह रहे हैं भैंस कैठो है? भैंस 11। 11 भैंस, मतलब करोड़पति आदमी है ये भाई साहब, समझ जाइए। चलिए ठीक है, कितनी लगती हैं? 15। हैं 15। 11 भैंस है, लगती कैठो है? 15। भाई साहब हमको लगता है माइंड से स्क्रू है, स्क्रू ढीला हो गया है, मैं गलत आदमी के साथ फंस गया हूँ, इसलिए कतई आप भी ना फंसे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व कहाँ सूखता है? यहाँ से नहीं, पूर्व से। हाँ, धन्यवाद।